हेलो नमस्कार साथियों, मैं आप सबका केपीजे स्टार एक बार फिर स्वागत करता हूँ पे केपीजे स्टार अपडेट चैनल पे। तो आज जो कि बात करने वाला यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर आर्मी भर्ती 2022 के बारे में। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि एआरओ जम्मू में जो आपकी आर्मी भर्ती करवाई जाती है, एआरओ बांडीपुरा श्रीनगर की जो आर्मी भर्ती करवाई जाती है, उन भर्तियों में जो आपकी उम्र है यानी कि जो आपकी एज है वो यहाँ पे कितनी मांगी जाती है, आपकी जो हाइट है वो यहाँ पे कितनी मांगी जाती है और जो आपकी क्वालिफिकेशन है वो यहाँ पे कितनी ली जाती है। तो आज आपको इस वीडियो में जम्मू एंड कश्मीर आर्मी भर्ती 2022 के बारे में यानी कि क्वालिफिकेशन हाइट और एज के बारे में पूरी जानकारी इस वीडियो में दूंगा। तो वीडियो स्टार्टिंग से लेके अंतिम तक यहाँ पे जरूर देखिएगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप जम्मू एंड कश्मीर से जुड़ी न्यू से न्यू जॉब्स की जानकारी पाना चाहते हैं, जम्मू एंड कश्मीर से जुड़ी न्यू से न्यू भर्तियों की जानकारी पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं यहाँ पे सोल्जर जीडी के लिए जो आपकी उम्र है यानी कि जो आपकी एज है वो यहाँ पे 17.5 से लेके 21 साल तक यहाँ पे ली जाती है। उसके बाद यहाँ पे बात करूं सोल्जर क्लर्क की, सोल्जर टेक्निकल, नर्सिंग और ट्रेडमैन, तो इन सब के लिए जो आपकी एज है यानी कि जो आपकी उम्र है वो 17.5 से लेके 23 साल तक ली जाती है। और मैं आपको बता दूं ये जो आपकी उम्र है ये हर वर्ष यही रहती है, लेकिन जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पे चेंज होती है। जैसे कि यहाँ पे सोल्जर क्लर्क की बताई गई है 1 अक्टूबर 1998 से लेके 1 अप्रैल 2004, तो ये जो आपकी डेट ऑफ बर्थ थी ये आपकी यहाँ पे 2021 में थी, लेकिन अब 2022 में आपका नया चार्ट जारी होगा जिसमें आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पे चेंज की जाएगी। और जैसे आपका डेट ऑफ बर्थ का चार्ट चेंज होगा तो उसके बारे में आपको जो जानकारी है मेरे चैनल पे यहाँ पे मिल जाएगी। अब बात कर लो यहाँ पे सोल्जर जीडी की, तो आपको बता दूं सोल्जर जीडी में जो आपकी हाइट है वो यहाँ पे 163 सेंटीमीटर यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर में ली जाती है, यानी कि 163 सेंटीमीटर जो आपकी हाइट है सोल्जर जीडी के लिए वो यहाँ पे ली जाती है। उसके बाद टेक्निकल में भी 163 सेंटीमीटर ली जाती है, ट्रेडमैन में भी 163 ली जाती है और नर्सिंग में भी जम्मू एंड कश्मीर में 163 सेंटीमीटर जो आपकी हाइट है वो यहाँ पे ली जाती है। अब बात कर लो सोल्जर क्लर्क की, तो आपको बता दूं जम्मू एंड कश्मीर में नहीं पूरे भारत देश में सोल्जर क्लर्क की जो आपकी हाइट है वो 162 सेंटीमीटर यहाँ पे ली जाती है। तो अब बात कर लो आपके वेट की, तो आपको बता दूं जो आपका वेट है ठीक है, तो आपका वेट आपकी हाइट के हिसाब से आपका वेट लिया जाता है। चेस्ट की बात करूं तो आपको बता दूं 77 सेंटीमीटर आपकी चेस्ट होनी चाहिए, 5 सेंटीमीटर का यहाँ पे जो फुलाव है वो यहाँ पे मांगा जाता है। तो सोल्जर जीडी की बात कर लूँ तो सोल्जर जीडी में जो आपकी क्वालिफिकेशन है वो यहाँ पे 10th पास ली जाती है, यानी कि आपकी 10वीं पास होनी चाहिए जिसमें आपके 45% जो मार्क्स हैं यानी कि जो आपके नंबर है 45% वो यहाँ पे मांगे जाते हैं। अगर आपके 45% नंबर नहीं है, अगर आप यहाँ पे C2 ग्रेड है, अगर आपका C2 ग्रेड है तब भी आप यहाँ पे सोल्जर जीडी की भर्ती यहाँ पे देख सकते हो। तो वही बात करूं यहाँ पे सोल्जर क्लर्क की जिसमें आपकी क्वालिफिकेशन जो है वो यहाँ पे 10+2 यानी कि आपकी 12वीं पास मांगी जाती है, टोटल आपके 60% नंबर होने चाहिए, हर एक सब्जेक्ट में 50% से ऊपर जो आपके नंबर है वो यहाँ पे होने चाहिए। सोल्जर ट्रेडमैन की बात करूं तो आपको बता दूं यहाँ पे सोल्जर ट्रेडमैन में अगर आपकी सिंपल 10वीं पास है तब भी आप भर्ती देख सकते हो, अगर आप सिर्फ 8वीं पास है तब भी आप सोल्जर ट्रेडमैन की यहाँ पे भर्ती देख सकते हो। वही बात करूं यहाँ पे सोल्जर नर्सिंग की और टेक्निकल की, तो आपको बता दूं नर्सिंग और टेक्निकल में आपकी यहाँ पे 10+2 यानी कि आपकी 12वीं पास ली जाती है जिसमें आपके टोटल 50% नंबर होने चाहिए और हर एक सब्जेक्ट में यहाँ पे आपको बता दूं 40% से ऊपर जो आपके नंबर हैं वो यहाँ पे होने चाहिए। तो आज आपको इस वीडियो में पता चल गया होगा कि एआरओ जम्मू की जो आर्मी भर्ती करवाई जाती है, एआरओ बांडीपुरा की श्रीनगर में जो आर्मी भर्ती करवाई जाती है, ये जो दो आर्मी की भर्तियाँ करवाई जाती है जम्मू एंड कश्मीर में, इन भर्तियों में आपकी क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, हाइट क्या चाहिए, आपकी एज क्या चाहिए, आपकी चेस्ट कितनी चाहिए, आपका वेट कितना चाहिए, आज आपको मैंने इस वीडियो में पूरी जानकारी दे दी है। अगर फिर भी आपका कोई डाउट रहता है तो आप मुझे वीडियो के नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। इसके अलावा अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हैं, मेरी इंस्टाग्राम की आईडी आपके सामने है इंडियन बॉय केपीजे स्टार के नाम से। तो अगर आप जम्मू एंड कश्मीर से जुड़ी नई से नई आर्मी भर्तियों के बारे में जानकारी पाना चाहते हैं, जम्मू एंड कश्मीर से जुड़ी टी आर्मी भर्ती के बारे में जानकारी पाना चाहते हैं, जम्मू एंड कश्मीर से जुड़ी न्यू से न्यू जॉब्स की जानकारी पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तब तक जय हिंद जय भारत।